दोस्तों बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज कितने रैंक पर मिलेगा, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज है और वहां पर कितनी सीटें हैं, उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको रैंक बताऊंगा कि कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि जिस कॉलेज के आगे, जिस कॉलेज के नेम में डाइट लिखा होगा वही गवर्नमेंट डाइट कॉलेज होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप भूल से भी ये गलती मत करना। देखिए, आपका रैंक लिस्ट जारी हो गया है, रिजल्ट आपको पता चल गया है, ठीक ना दोस्तों। अब इसके बाद जो है 5 से 10 दिन में आपका जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब आईडी लॉगिन करके ऑनलाइन जो है ना कॉलेज सेलेक्ट करना, कॉलेज प्रेफरेंस भरना, जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। अब गाइस, आप जो है ना, आपका कितना भी रैंक आया, अच्छा नहीं भी आया ना, फिर भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप गवर्नमेंट करो, गवर्नमेंट में हो जाएगा। जिनका रैंक अच्छा नहीं है वो भी गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट भी करेगा, क्योंकि अगर उनका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो वो प्राइवेट से इस कोर्स को कर लेगा, ये होता है। अब गाइस, आप बिहार से हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या है ना, जैसे पटना में आप जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो गाइस पटना में जो है ना 5-5 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है कि यार जिस कॉलेज के नेम में डाइट लिखा हुआ है वही गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें काफ़ी सारी सीटें हैं। तो ये ध्यान में रखना, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें ये सारा कॉलेज आपको भरना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। अब गाइस, कुछ स्टूडेंट जिनको तो लगेगा कि यार यही वाला केवल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, तो वो केवल यही वाला पटना में भरेंगे। अब ऐसे में इस कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे इस कॉलेज को, तो ऐसे में इस कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। और इस सिचुएशन में दोस्तों बाकी कॉलेज स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट, तो नहीं भरेंगे। और इस सिचुएशन में आपको पता है कि इस कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है अब कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है आपके डिस्ट्रिक्ट में, सारा यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक ना, ध्यान से। और जब चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सारे कॉलेज भर सकते हो, कम से कम आप अपने डिस्ट्रिक्ट के या आसपास के कॉलेज भर सकते हो जहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, सारा कॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कॉलेज कर लीजिए जहाँ तक आप जा सकते हो, देख लीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान आता, 6 नंबर पर भी नहीं हो पाता। और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको आज पता चल गया है, उनके कम नंबर पर भी गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा, यहाँ पर कम रैंक पर भी। सारा मैं कॉलेज यहाँ पर शो कर देता हूँ। देखिए, मैंने सारा कॉलेज अगर काउंट किया था ना तो 7900 आ रहा है। अब कुछ सीटें बढ़ी होगी तो टोटल 8000 सीटें हैं। कुछ लोग बता रहे हैं 9000 हैं, तो 9000 नहीं है, जो है वही मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। 750 सीटें दोस्तों पटना में है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, पटना में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए सारा यहाँ पर। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना ना, आप सबसे पहले डाइट रखना, उसके बाद सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भरना, मतलब ऊपर में आपको गवर्नमेंट भरना है और लास्ट में प्राइवेट, मतलब सेकंड ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हो तो। क्योंकि अगर सबसे ऊपर में आप फर्स्ट प्रेफरेंस में प्राइवेट रख देते हो ना तो वही मिल जाएगा, भले ही आप 100 नंबर क्यों ना लाए हो, तो ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या है, बिहार के सारे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर 8000 सीटें हैं लगभग, ठीक ना, 7900 मैंने काउंट किया है, जिसमें जनरल के लिए 4000 सीटें रिजर्व हैं। सारे हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक ना। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, हर कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ कॉलेज दूर में है तो वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट उसको चॉइस नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, तो कट ऑफ कम जाने की संभावना होती है। तो मेन सिटी का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। जनरल के लिए 4000 सीटें हैं। अब गाइज, आपका कैटेगरी रैंक कितने आना चाहिए, यहाँ पर ओवरऑल रैंक की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल रैंक में सारे कैटेगरी का मिक्स रैंक होता है। अगर आप जनरल से हो और आपका कैटेगरी रैंक दोस्तों 4000 आ रहा है, मतलब 4000 के अंडर आ रहा है, 4000 आ रहा है, 3500 आ रहा है, तो आपका 100% होगा, मतलब कोई रोक नहीं सकता आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने से। लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो कम से कम 2 से 3 कॉलेज भरना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भर सकते हो, ओके, उतना ज़्यादा आपका चांस होगा। अब गाइस देखो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बीएड में एडमिशन ले लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट का अलग एग्ज़ाम में रिजल्ट आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे दोस्तों जो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोस्तों ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और डीएलएड में भी एडमिशन ले
लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, बिहार में जो है ना, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपसे आपका क्लास 12 का टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इस सिचुएशन में आपको पता है दोस्तों, ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में आपको क्लास 12 का टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। और जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है या आप बीच में छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन, तब आपको वहां पर से टीसी मिलता है या सीएलसी मिलता है। तो वही चीज आपको जमा करना होगा डीएलएड वाले कॉलेज में। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर तो आपको मिल नहीं पाएगा, ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा। या आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है, 12th ओनली पास किया है, तब आपके पास माइग्रेशन टीसी होगा क्लास 12 का, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब आपको होगा सीएलसी, तो वो जमा करना होगा। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, पिछले साल भी हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका जनरल कैटेगरी से कैटेगरी रैंक अगर आपका, मैं बता देता हूँ, 4500 भी आया है ना, फिर भी आपका हो जाएगा, 4500 पर भी हो जाएगा आपका, 5000 तक भी मैक्सिमम हो जाता है, कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम मान लीजिए 1500 अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ईबीसी एक्सट्रीमली वीक क्लासेस की बात करें, बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो आपका 1000 पर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं बीएड में, समझ रहे ना आप। उसके बाद हम एससी की बात करते हैं, तो एससी के लिए यहाँ पर 700 सीटें रिजर्व हैं। अब गाइज, आपका मैक्सिमम रैंक 800 तक आ रहा है ना, 800 से 900 तक, तो भी आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो आपका 500 आ रहा है, 600 आ रहा है, फिर भी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना है जहां तक जा सकते हो। एसटी की बात करें तो 400, 450 500 तक रैंक है, फिर भी हो जाएगा। पीएच कैटेगरी के लिए बात करें, फिजिकली जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए यहां पर कम से कम 400 पर भी हो जाएगा। पीएच में कुछ स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, वो मतलब मान्यता नहीं होते, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो पीएच कैटेगरी का मैक्सिमम 400 तक जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। देखिए, इनका जो मार्क्स है 83 है, इनका कैटेगरी रैंक जो है क्या बोल रहे हैं, 800 तक आया है, 500 सीटें लगभग रिजर्व है दोस्तों। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 800 आया है तो आपका यहां पर 80% चांस है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरोगे तो गवर्नमेंट में आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इनका रैंक तो इनका तो हो ही जाएगा। इनका देखिए, इनका क्या है, कैटेगरी रैंक इनका जो है 2202 है, तो इनका कम चांस है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ईबीसी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, ईबीसी के लिए लगभग 800 सीटें रिजर्व है। तो ऐसे में इनका कैटेगरी रैंक अगर 1000 तक भी आता ना तो भी इनका हो जाता है, इनका प्राइवेट में ही हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, इनका तो हो ही जाएगा। देखिए नेक्स्ट कमेंट, इन्होंने दोस्तों कैटेगरी अपना नहीं बताया है। अगर ये जनरल से है दोस्तों, ईबी से है, ईबीसी से है, तो इनका काफ़ी चांस है हो जाएगा, क्योंकि जनरल में तो कैटेगरी वाइज 4000 के आसपास सीटें रिजर्व है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से जो है इनका कैटेगरी रैंक 1243 है, ओवरऑल रैंक जो है इनका 9000 के आसपास है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग कितनी सीटें रिजर्व है, 500 के आसपास, तो चांस इनका कम है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर अगर इनका रैंक जो है 700-800 तक होता तो हो जाता। कोर स्टूडेंट है जिनका कैटेगरी रैंक 12203 है दोस्तों, और आपको पता है बीसी कैटेगरी के लिए लगभग कितनी सीटें हैं, बीसी कैटेगरी के लिए लगभग जो है 1200 के आसपास, 1300 के आसपास सीटें रिजर्व है, तो इनका नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनका तो हो ही जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कमेंट, इनका रैंक दोस्तों कैटेगरी रैंक 1044 है, हो सकता है ये स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक ना, तो इनका जो है हो जाएगा गवर्नमेंट में। नेक्स्ट कमेंट, ये स्टूडेंट जो है एससी कैटेगरी से है, और इनका देखिए दोस्तों कैटेगरी रैंक 900 के आसपास आया है, तो इनका हो जाएगा गवर्नमेंट में। देखिए नेक्स्ट, देखिए गाइस, ये एससी कैटेगरी से है और इनका 63 नंबर आया है, वहीं पर अगर इनका 70 आता ना तो इनका गवर्नमेंट में हो जाता। तो आप ये मानकर चलिए कि एससी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन 70 पर होने वाला है इस बार,